सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पे ये है ऑल इंडिया अमिताभ रेडियो विद आरजे अमिताभ बच्चन। ऑल राइट, सो वी आर बैक ऑन आज के जमाने का रेडियो स्टेशन सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम। मेरे साथ है इस वक्त अमिताभ बच्चन। और बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज का दिन इतिहास में दर्ज किया जाएगा, क्योंकि रेड एफएम बन गया है ऑल इंडिया अमिताभ रेडियो पूरे के पूरे आज के दिन। बच्चन साहब हमारे साथ हैं। सर, वेलकम टू रेड एफएम। एंड मुझ नाचीज वेले की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। मुंह से बोल नहीं फूट पा रहे, इट्स सच एन ऑनर टू हैव यू हियर। ये मेरा सौभाग्य कि आपने मुझे बुलाया और इस लायक समझा कि मैं आपके रेडियो चैनल पे पधार सकूं और जनता से बात कर सकूं। क्या बात है सर, बड़प्पन है आपका। खैर, आज के दिन बच्चन साहब आपके मैसेजेस ले रहे हैं और आपके फ्रेंड्स आपके रिलेटिव्स को वो मैसेजेस कन्वे कर रहे हैं। तो बच्चन साहब, हमारी जो अगली लिसनर है वो दिव्या, कॉल करें जी। हेलो दिव्या, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। हाय सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन दिव्या, हाउ आर यू? आई एम गुड, गुड, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी सर। जी जी, दिव्या आपके भाई साहब हैं मनोज। जी सर। जो आप चाह रहे थे कि मैं उन्हें फोन करूं, क्या कहना चाहेंगे आप उन्हें? सर एक्चुअली ना उनकी ना आवाज थोड़ी पतली सी है, तो okay. हमारे जितने भी कॉमन दोस्त हैं और मतलब जो कजिन्स हैं वो ना उनका काफी मजाक उड़ाते हैं, तो वो कभी कभी इतनी बात नहीं करते, उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो अगर आप कहेंगे कि सब ठीक है तो सर मतलब ही विल फील रियली ना, मतलब उनको बहुत अच्छा लगेगा सर। नहीं, मैं जरूर अभी बस आपसे बात करने के बाद मैं उनसे अभी फोन लगाता हूँ। आप क्या कर रही हैं दिव्या आजकल कानपुर में? सर मैं पढ़ाती हूँ सर, बच्चों को पढ़ाती हूँ। कौन सी क्लास के बच्चे हैं ये? सर दिस इज फ्रॉम 5th से लेके 8th 9th तक। तो काफी सीरियस पढ़ाई होती होगी ये? जी सर, काफी कुछ मतलब आजकल थोड़ा बोर्ड्स का भी है और एग्जाम्स आ रहे हैं तो थोड़ा वैसे रहता है। जी जी जी, ओके दिव्या, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अभी आपके भाई साहब मनोज से बात करता हूँ और उनको थोड़ा सा उनकी हौसला बढ़ाता हूँ। थैंक यू सो मच। ऑल राइट, तो फिर इस बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अभी मनोज जी से भी थोड़ी देर में बच्चन साहब बात करेंगे। तो सर शुरुआत मैंने करी थी, अब एंडिंग आप करेंगे। मैं सुपर हिट्स बोलता हूँ, बाकी आप संभालिएगा। तो सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पे ये है ऑल इंडिया अमिताभ रेडियो विद आरजे अमिताभ बच्चन। एंड वी आर बैक ऑन आज के जमाने का रेडियो स्टेशन सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम। यहाँ पे मेरे साथ है आरजे अमिताभ बच्चन। ऑलराइट, तो हमारी बातचीत सर चल रही थी, अभी आपकी दिव्या से बात हुई थी। अच्छा, मैं पहले आपको बता दूं कि भाई बच्चन साहब हमारे साथ हैं और आज सारा दिन वो आपके मैसेजेस ले रहे हैं, आपके मैसेजेस आपके फ्रेंड्स को आपकी फैमिली को डिलीवर कर रहे हैं। तो दिव्या से हमारी बात हुई थी जो कि अपने भाई मनोज को कोई मैसेज दिलवाना चाहती थी, क्योंकि उनकी आवाज को लेकर उनका काफी मजाक उड़ाया जाता था। वैसे आवाज से याद आया सर, आपकी आवाज ही बड़ी भारी है, ऐसा लगता है जैसे किसी मोटरसाइकिल की आवाज है, लाइक हार्ली डेविडसन और समथिंग। गुस्ताखी ना, एक बार सुनाएंगे? हार्ली डेविडसन, वूम वूम। वंडरफुल, चलिए ठीक है, कॉल करते हैं मनोज जी को। मनोज नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। अरे सर आप? जी जी, मैं नहीं, आप बोल रहे सर। नहीं नहीं बिल्कुल, अभी अभी आपकी बहन दिव्या से बात हुई। हाँ जी। तो उनसे आपका नंबर मिला और आपकी आवाज तो एकदम अच्छी है, आप क्यों ऐसा समझते हैं कि आपकी आवाज पतली है? दिव्या कह रही थी कि आप बहुत घबराए हुए रहते हैं और सब लोग कहते रहते हैं, मजाक उड़ाते रहते हैं मेरा, तो मैं बहुत नर्वस हो जाता हूं। कुछ मजाक नहीं उड़ा, आप उनका मजाक उड़ाइए कि आपके पास आवाज सही नहीं है, आपकी आवाज बिल्कुल सही है। ओके सर, आप उनसे कहिए ना, आप मेरी आवाज बन करके कुछ बोलिए। सर आपने कह दिया, बहुत बहुत आपका। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हर इंसान के पास कुछ ना कुछ गुण होते हैं, है कि नहीं? आपके पास भी गुण है, उन लोगों के पास भी गुण है। उन लोगों को हक नहीं मिलता है कि वो आपकी आवाज के मजाक उड़ाए। और इसमें कोई खराबी नहीं, आपकी आवाज में बिल्कुल खराबी नहीं है। अगर कोई बोले आगे तो उनसे कहिएगा कि आपकी मुझसे बात हुई है और मैंने उनको डांट करके कहा है कि ये बिल्कुल आपकी आवाज एकदम सही है, इसे बदलने की कोशिश भी मत कीजिएगा। सर आपसे बात करके बहुत खुशी हुई मुझे और मेरी बहन दिव्या के लिए थैंक यू। जी जी जी, उनको धन्यवाद दीजिएगा, उनकी वजह से हमारी आपसे बात हो गई। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए, मैं सोच भी नहीं पा रहा कि आपसे बात करूँ मैं। नहीं नहीं मैं ही हूँ, और ये हमारी फिल्म आ रही है अभी शमिता,
ये 6 फरवरी को आ रही है, आप उसे जरूर देखिएगा। सर मैं आपकी फिल्म बहुत पहले ही देखूंगा, मैं पहले ही शो देखूंगा। थैंक यू सो मच मनोज, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर, वाओ, इट्स गेटिंग रियली रियली एक्साइटिंग। तो वापस लौट के आते हैं क्योंकि बहुत ही कम देर में हमारे साथ कुछ और मेहमान भी आने वाले हैं। कौन है? जस्ट स्टे ट्यून्ड टू सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम। मैं हूं रोहन और मेरे साथ है डॉक्टर अमिताभ बच्चन। बजाते रहो।